2.7 करोड़ रुपए तथा केंद्र प्रायोजित स्कीम में 11,123.95 करोड़ रुपए यानी कुल 86,370 करोड़ रुपए की आय व्यय विवरणी तैयार की गई। बजट में प्रावधानित सकल राशि को यदि प्रक्षेत्र की दृष्टि से दृष्टिकोण से देखा जाए तो सामान्य प्रक्षेत्र के लिए 25,047.43 करोड़ रुपए, सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए 32,167.58 करोड़ रुपए तथा आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए 29,154.99 करोड़ रुपए उपबंधित किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2021 में राज्य को अपने कर राजस्व से करीब 21,669.50 करोड़ रुपए तथा गैर कर राजस्व से 11,820.34 करोड़ रुपए, केंद्रीय सहायता से 15,839 करोड़ रुपए, केंद्रीय करों से राज्य की हिस्सेदारी के रूप में 25,979.91 करोड़ रुपए, लोक ऋण से करीब 11,000 करोड़ रुपए तथा उधार तथा अग्रिम की वसूली से करीब 61.25 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। वित्तीय वर्ष 2014-15 में विकास दर 12.5% थी तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2018-19 की अवधि में राज्य की औसत वार्षिक विकास दर करीब 5.7% रही। वर्तमान वर्ष में यह 7.2% रहने का अनुमान है। प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर चालू वित्तीय वर्ष में 65,802 रुपये अनुमानित है, जो गत वर्ष 62,345 रुपये थी, जो 5.5% का विकास दर प्रदर्शित करती है। वित्तीय वर्ष 2021 में स्थिर मूल्य पर GSDP विकास दर 8% तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2021 में प्रारंभ होने वाले कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं, आयुष्मान भारत योजना के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा सभी को 5,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा। वित्तीय वर्ष 2021 में राज्य सरकार द्वारा राज्य की आम जनता को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के क्रम में राज्य के सभी BPL परिवारों के अतिरिक्त अन्य APL परिवारों को भी राज्य एवं केंद्र सरकार के नियमित कर्मियों को छोड़कर आयुष्मान भारत योजना के अनुरूप 5,00,000 रुपए का स्वास्थ्य बीमा राज्य योजना मद से कराए जाने का प्रस्ताव है। अतिरिक्त शामिल किए जाने वाले परिवारों के लिए 1,00,000 रुपए तक की राशि का वहन बीमा कंपनी द्वारा किया जाएगा। चिकित्सा में 1,00,000 रुपए से अधिक एवं 5,00,000 रुपए तक की राशि में से 50% राशि लाभुक परिवारों द्वारा इलाज के उपरांत अस्पताल को डिस्चार्ज के पूर्व भुगतान की जाएगी तथा अवशेष 50% राशि राज्य सरकार द्वारा अस्पतालों को भुगतान की जाएगी। इस तरह राज्य की 92% जनसंख्या स्वास्थ्य बीमा से आच्छादित हो जाएगी। धोती लुंगी एवं साड़ी योजना,
राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थ योजना के कुल लगभग 97 लाख परिवारों को खाद्यान्न के अतिरिक्त 57 लाख परिवारों को खाद्यान्न के अतिरिक्त लुंगी धोती एवं साड़ी के साड़ी अनुदानित दर पर वितरित किए जाने का प्रस्ताव है। पहले भी था, जानते हैं, मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना, ये नया है। सभी सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 12 तक के सभी छात्रों को मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति भुगतान किया जाना प्रस्तावित है। मतलब सभी को दिया जाएगा, वो पहले होता था एससी को, एसटी को, ओबीसी को, नहीं, सबको दिया जाएगा। ये है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50,000 रुपये की अतिरिक्त राशि। आप जानते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में कितना पैसा मिलता है, हमारी राज्य सरकार 50,000 अतिरिक्त देगी पैसा उसमें। अगर 2 लाख मिलता है तो 2.5 लाख, 50,000 जोड़ दीजिए तो 2.5 लाख हो गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आगामी वित्तीय वर्ष में 2020-21 में स्वीकृत किए जाने वाले आवासों के लिए राज्य सरकार के द्वारा अपने कोष से 50,000 रुपये का अतिरिक्त राशि भुगतान प्रत्येक ब्लॉक को दिए जाने का प्रस्ताव हो गया। इसके अलावा साथ ही लाभुकों को झारखंड की भौगोलिक पृष्ठभूमि को देखते हुए स्थानीय तरीके से घर बनाने की छूट दी जाएगी। अभी क्या है ना, 8x8 अगर कमरा बनाना है प्रधानमंत्री में तो उतना ही बना सकते हैं, नहीं बनाइएगा तो दिक्कत हो जाएगी। हमारा है कि अगर आप परिस्थिति है आपको 8x10 बनाने का जो बनाते हैं हम लोग, या 10x10 का, तो भी बना सकते हैं। 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली सरकार के द्वारा 300 यूनिट से कम, ध्यान रखिएगा, 300 यूनिट से कम बिजली खपत करने वाले परिवारों को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। 300 से कम जो करेंगे उनको, ज्यादा बढ़ जाएंगे तो नहीं है ना। प्रसिद्ध चिकित्सा संस्थानों में कैंसर, किडनी एवं गंभीर लिवर रोग के इलाज की मुफ्त सुविधा। 8 लाख रुपए वार्षिक आय तक के सभी परिवारों को देश के प्रसिद्ध चिकित्सा संस्थानों में कैंसर, किडनी एवं गंभीर लिवर रोग के इलाज की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। यह इलाज पर होने वाले पूरे खर्चे का वहन राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। पहले था सरकार देती थी 72,000 तक जिनकी आमदनी थी उनको देती थी सरकार, अभी हम लोग उसमें गरीब लोगों को होता दिक्कत थी या अपील कैटेगरी के लोग हैं उनको दिक्कत होती थी। ये 8 लाख रखे हैं, 8 लाख तक की आमदनी वाले लोगों को, इसमें लगता है सभी लोग आ जाएंगे, गांव देहात के लोग को हम लोग कैंसर, किडनी, गंभीर लिवर रोग के इलाज की मुफ्त सुविधा देंगे। अब सरकार पूरा खर्च वहन करेगी। 50 वर्ष से ऊपर के 10 लाख छूटे हुए लोगों को अतिरिक्त राशन। आप गांव देहात में आप भी जाते हैं, आपको भी बोलता होगा लोग कि देखिए बाबू है ना, कि हमको राशन कार्ड भी नहीं है, है ना, बगल वाला जो पक्का का मकान है उसको राशन कार्ड है, हम गरीब हैं, झोपड़ी में रहते हैं, राशन कार्ड नहीं। तो इस बार क्या कर रहे हैं कि 50 से ऊपर जितने भी हैं लोग, 10 लाख लोगों को हम राशन कार्ड से जोड़ेंगे। इसके अलावे जो गलत तरीके से राशन कार्ड ले लिए हैं उनको तो कैंसिल कर ही रहे हैं, तो संख्या बढ़ेगी 10 लाख प्लग, लगता है कि 4 लाख 5 लाख बढ़ेगी, तो 15 लाख लोगों को राशन कार्ड से जोड़ेंगे हम लोग। ये गरीबों के हित में बहुत बड़ा फैसला है सरकार का। अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना। राज्य की 75% की आबादी कृषि एवं संबंधित क्षेत्र पर निर्भर है। इस क्षेत्र से जुड़े लोगों की बेहतरी के लिए राज्य सरकार कृत संकल्प है। ऋण के बोझ से दबे किसान जिनकी आय का बड़ा हिस्सा ऋण चुकाने में चला जाता है, के लिए राज्य सरकार ने अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। बेरोजगार युवक युवतियों को सहायता
राशि जो हम लोग बराबर कहते रहते थे। वित्तीय वर्ष 2021 में राज्य के बेरोजगार युवक युवतियों को सहायता राशि उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है। राज्य के वैसे स्नातक उत्तर बेरोजगार युवक जिन्होंने विगत 3 वर्षों के अंदर डिग्री प्राप्त की एवं जो राज्य के नियोजनालयों में निबंधित हैं और प्रयास करने के बावजूद बेरोजगार हैं, उन स्नातकोत्तर युवकों को 2 वर्ष के लिए क्रमशः 5,000 रूपये तथा 7,000 रूपये प्रतिवर्ष सहायता राशि प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2021 में 146 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान है। मुख्यमंत्री कैंटीन योजना। मुख्यमंत्री दाल भात योजना के अंतर्गत राज्य के स्वीकृत 377 दाल भात केंद्रों पर 5 रूपये के दर से करीब गरीब व्यक्तियों को एक समय का भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इन केंद्रों को अधिक व्यवस्थित करने के लिए एवं इनका प्रसार ग्रामीण क्षेत्रों के महत्वपूर्ण केंद्रों पर करने के उद्देश्य से आगामी वित्तीय वर्ष में 70 करोड़ रूपये के उपबंध के साथ मुख्यमंत्री कैंटीन योजना प्रारंभ किए जाने का प्रस्ताव है। छात्राओं को मुफ्त में तकनीकी शिक्षा, ध्यान देने योग्य है। महिला सशक्तिकरण के तहत राज्य की छात्राओं को मुफ्त में राज्य के तकनीकी शिक्षा की प्राप्ति सुनिश्चित कराने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है। जिला स्कूलों का आधुनिकीकरण। प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक विद्यालय को उत्कृष्ट कोटि की आधारभूत संरचना, लैब, पुस्तकालय, डिजिटल वर्क कक्ष, पर्याप्त कंप्यूटर तथा गुणवत्तापूर्ण विषयवार शिक्षकों को उपलब्ध कराकर गुणवत्त शिक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य सरकार विचार कर रही है। इस कार्य हेतु 240 करोड़ रुपए के बजट का उपबंध प्रस्ताव है। इसके साथ साथ माननीय विधायकों की अनुशंसा पर आगामी वित्तीय वर्ष में प्रत्येक पंचायत में 5 चापाकल कुआं के निर्माण की कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक पंचायत में 5-5, चाहे वो विधायक कुआं बनवाए या चापाकल लगवाए, इसकी व्यवस्था हम लोग करेंगे। अच्छा, अगर कुछ प्रश्न तो इस ये क्या बने, इस तो एक छोटा सा रकम है, इसको तो बढ़ाया जाना चाहिए। मनसा ये है, सुन लीजिए, मनसा ये है, पहले तो हम रोजगार की व्यवस्था करेंगे। आप जानते हैं कि इस राज्य में बहुत से पद रिक्त हैं, 1,25,000 गिनती में लोग बताते हैं, आप ही लोग छापते हैं, लगभग 1,25,000 है। पहले तो प्रयास है उनको भरना, तो इसमें आ जाएंगे बहुत से लोग। इसके अलावे हम लोग और व्यवस्था करेंगे रोजगार देने के लिए। और इसके बावजूद भी अगर निबंधन कराया हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट किया हो, फिर भी हम लोग नहीं कर रहे हैं उसके लिए कुछ कर पा रहे हैं, तो 5,000 और 7,000 का व्यवस्था करेंगे। ये कहने का मतलब, हाँ चलाना है, पहले तो व्यवस्था करेंगे हम। पहले देखिए, आप ये समझ लीजिए, पहले हम व्यवस्था करेंगे, है ना, व्यवस्था करेंगे रोजगार की, जैसे सरकारी नौकरियों में, प्राइवेट नौकरियों में हम व्यवस्था करेंगे, है ना। और इसके बावजूद भी रह गए तो हम ये व्यवस्था अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस 5,000 और 7,000 कर देंगे। मनसा यही है। ये मंत्री जी एक हाँ, सवाल है, हाँ, जो कृषि राहत ऋण योजना जो है उसको थोड़ा डिफाइन करते, जो किसानों के ऋण को माफ कर दिया गया है या उसमें कोई शर्त है, एक। और दूसरा सवाल यह है कि
रेवेन्यू जनरेशन के लिए सरकार ने क्या किया है? क्योंकि सरकार आरोप लगाते रही है कि जो खजाना खाली है, खजाना खाली है, तो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए आपने इसमें क्या किया है? ऐसा है कि खजाना खाली है वो तो श्वेत पत्र में आपको बता दिए हैं, उसको अधिक बताने की जरूरत नहीं है। श्वेत पत्र में है कैसे खजाना खाली है, और श्वेत पत्र में ये भी बताए हैं आपको कि जो हमारी प्राप्ति होनी चाहिए, रिसीट होना चाहिए था कोल इंडिया के से या और मदों से, जीएसटी के माध्यम से जो मिलना चाहिए था, वाजिब हमारा हक है, वो नहीं मिल पा रहा है। लेकिन हम लेंगे, कोल इंडिया से भी लेंगे, लगभग एक आंकड़े के अनुसार लगभग 65,000 करोड़ है, हम लेंगे उसको धीरे धीरे करके लेंगे, एक दफे नहीं देंगे, वो धीरे धीरे करके लेंगे। मंत्री जी एक प्रश्न इधर। अच्छा, सेटिस्फाई हुए वो? अच्छा, संतुष्ट हुए? हाँ, किसान का बोल बताते हैं। हाँ, क्या करते हैं किसान वाला, देखिए एमएसपी आप जान रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस भारत सरकार देती है ना। लेकिन किसान जो है अपना अनाज धो करके लैंप्स पैक्स का केंद्र है वहां ले जाता है, समझे ना, उसमें खर्चा होता है उसका। हाँ, किए ना अल्पकालीन ऋण, क्या बोले हम, 2,000 करोड़ के व्यवस्था किए हैं, नहीं अभी जमा कर रहे हैं हम लोग आंकड़ा, कितना ऋण माफ है, 20,000 का कितना है, 25,000 का कितना है ना, 25,000 का कितना है, 50,000 का कितना है, 1,00,000 कितना है, अभी पूरा हो नहीं पाया, संग्रह नहीं कर पाए हम लोग, वो करने के बाद हम लोग करेंगे, इसलिए पहले हम लोग पैसा दे दिए ऋण माफी के लिए। मंत्री जी आप ठीक समझे, मनसा है इसीलिए बजट में प्रावधान किया गया। मंत्री जी एक प्रश्न इधर से। हाँ बोलिए मंत्री जी, इधर से बोलिए बोलिए मंत्री जी, इधर से किधर से, इधर आपके राइट साइड में सर, हाथ उठाइए सर, इधर बोलिए, हाथ उठाइए। हाँ सर, झारखंड की पहचान जल जंगल जमीन के अलावा खेल और खिलाड़ियों से रही है। पूर्व में मुख्यमंत्री ने कई बार उनको नौकरी देने की बात कही, लेकिन आपके बजट में कहीं किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है, है ना? अच्छा, इसमें जो है, हाँ इसमें ये है, अभी नीति बनना बाकी, खेल नीति और उसके साथ जोड़ना है रोजगार नीति को, खिलाड़ियों को, हाँ उसमें भी करेंगे। ये नीतियां बन रही हैं, अभी नीतियां बने उसके पूर्व नहीं करते हैं नीतियां बने। लेकिन एक चीज अच्छा किया आपने, आप हमको याद कराए, सरकार को याद कराए आप लोग कि हम लोग बराबर करते रहे थे कि खेल नीति नहीं बनी, खेल से खिलाड़ियों को रोजगार से जोड़ा नहीं गया, ये सब हम लोग भी करते रहे, लेकिन इस बार करेंगे, हम लोग इस बार कर रहे हैं। मंत्री जी, एक सवाल अल्पसंख्यक वक्त से आ रहा है कि अल्पसंख्यक वित्त निगम का गठन भी नहीं किया गया है और उनके विकास के लिए कितना खर्च किया जाएगा, इसका कोई प्रावधान दिख नहीं रहा है बजट में, इसके बारे में जरा जानकारी देंगे। गठन हो चुका है वित्त निगम का, उसमें राशि उपलब्ध कराई जाएगी, पहले से राशि है, फिर उपलब्ध कराई जाएगी। राशि के बारे में बताया जाए सर, राशि के बारे में किसको, धान का आपको, हाँ हाँ हाँ, देखिए घोषणा पर हो रहा है आप, वही है ना सुगमता, देखिए 2,000 अभी मिल रहा है जिसमें कृषि सुगमता जो लिखे हैं हम लोग उसी के अंदर आता है, 500 रुपये लगभग। मंत्री जी एक सवाल, ये बहुत मंत्री जी एक सवाल इधर से, इधर भी बोलिए बोलिए। ये कृषि आशीर्वाद योजना और 1 रुपए में महिलाओं के नाम रजिस्ट्री को लेकर उहापोह की स्थिति है, सरकार ने अभी तक अधिकृत रूप से नहीं कहा ये योजना बंद हो रही कि नहीं। अब ऐसा है कि बजट में मिला आपको, बजट में कोई प्रोविजन नहीं हुआ तो खत्म है, मानता
बजट में अगर प्रोविजन करते हैं हम आशीर्वाद योजना के नाम पर, तब ना होता कि हम देंगे। नहीं अभी देखिए हमने क्या कहा पहले से, श्वेत पत्र आप श्वेत मंत्री जी एक एक लाइन पढ़िए मंत्री जी, क्वेश्चन बोले से नहीं, आप एक एक प्रश्न कीजिए, जो योजनाएं अनावश्यक हैं उनको हम बंद करेंगे मंत्री जी। इसी में एक सवाल है मंत्री जी, अगर कृषि सुन लीजिए, कृषि में लोन माफी कर दिए हम और धान के खरीद बढ़िया से कर दिए हम, 2500 रुपए दे दिए, फिर कहाँ जरूरत है आशीर्वाद देने की मंत्री जी। इसी में एक सवाल है, इधर देखिएगा सीधे, कौन सा आशीर्वाद चाहिए उसको? नहीं श्वेत पत्र पढ़िए, बोल रहा हूँ मैं, श्वेत पत्र पढ़िए। एक चीज पूछना चाह रहे हैं, हम लोगों का कुछ कंफ्यूजन है। हेलो मंत्री जी, एक चीज क्लैरिफाई कीजिए, सरकार कौन 5 करोड़ ज्यादा मिलेगा? मंत्री जी ये बताइए, बताने का कृपा करें कि कौन कौन सा स्कीम आप लोग जो है बंद किए हैं, और वो बंद करने के पहले आप लोग कहाँ से कोई स्टडी वगैरह कराए क्या? नहीं नहीं, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा सुन लीजिए मेरा, अब इतना डिटेल में नहीं बोल सकते। बजट में जो प्रोविजन जिस योजना के लिए नहीं है वो बंद हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? अगर बंद नहीं होता तो उस पर प्रोविजन करते हम, है कि नहीं? अगर योजना में हम प्रोविजन नहीं किए हैं, सरकार ने नहीं किया है, इसका मतलब बंद है वो। नहीं इसमें नहीं था, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है कि आप पुराने दिन को याद कर रहे हैं, लोकसभा का समय था इसमें, नहीं 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 है वो, नहीं है अब उसका सरकार में नहीं आया वो, कांग्रेस के लोकसभा में था वो, हम जानते हैं, याद है उनको, लोकसभा में था मंत्री जी। हाँ एक शहरी क्षेत्र के, इधर से बोल रहे मैं, माया कितना है इधर इधर देखिए, बजट से संबंधित है उसी बारे में कुछ। शहरी क्षेत्र के स्लम क्षेत्रों में 100 मोहल्ला क्लिनिक की योजनाएं संचालित करने की बात कही गई है। केवल 100 क्लिनिक से क्या पूरा राज्य आच्छादित हो जाएगा और पूरा कवर हो जाएगा? 100 मोहल्ले में योजना चल रही है, हमने पढ़ा, हमको याद है, हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ये कहे हैं। आप कितना आगे बढ़ाएंगे वो बात का चीज है, कितना आगे बढ़ाएंगे, नंबर बढ़ाएंगे कितना वो बात का चीज है। ये मंत्री जी एक जिज्ञासा है, एक सवाल है रामेश्वर जी, कि अभी जो है विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने, खासकर जेएमएम ने ये कहा था कि 5,000 और 7,000 का जो बेरोजगारी भत्ता देने की बात थी वो महीने की बात थी, और जो बजट में है उसमें प्रतिवर्ष देने की बात हो रही है, तो इसको थोड़ा क्लियर कीजिए। वो आरोप लगा रहे कि आपने बात कुछ और कही और किया कुछ और। ऐसा है, ऐसा है, हमने क्या कहा, हम लोग क्या कहते थे, हम नौकरी बेरोजगारी दूर करेंगे, अभी भी कर रहे हैं हम बेरोजगारी दूर करेंगे। अगर बेरोजगारी, अगर इन लोगों को जितना ग्रेजुएट है और पोस्ट ग्रेजुएट है सबको नौकरी मिल गई तो 5,000-7,000 की क्या बात है, बात नहीं उठती है। हम देंगे, है ना, हम नौकरियां देंगे, पहले बचेंगे तब इसके बाद उस पर बात होगी मंत्री जी। ऐसा है मंत्री जी, मंत्री जी आप हवा में बात नहीं करेंगे, हम जो वैकेंसी है उसको पूरा करेंगे, शुरू हो गया वैकेंसी पूरा करने का, एक और दूसरा हम खोजेंगे कहां पर अवसर है, कहां पर अवसर है उसको खोजेंगे, उसको देंगे मंत्री जी। हाँ मंत्री जी, हाँ नहीं ऐसा है कि अब शर्त के साथ 300 अगर यूनिट कंज्यूम किए हैं, हाँ एक महीना, महीने महीने आता है ना कि महीने महीने आता है तो उसको मिलेगा। अगर ज्यादा खर्च कर, ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो ओबियसली नहीं मिलेगा। हाँ लेकिन सर बिजली पे सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, सब्सिडी बंद कर देंगे क्या है? सर बिजली का सब्सिडी बंद कर रहे हैं? सब्सिडी बंद नहीं कर रहे हैं, सब्सिडी बंद नहीं कर रहे हैं, ये आप याद रखिए, जो मिल रहा है सो देंगे। मेरे ख्याल है कि हो गया होगा,
हो गया, चलिए मुख्यमंत्री आएंगे, मुख्यमंत्री आएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, आपको कृपया बैठ जाए। बजटीय घाटा 2.4 है ना, बजटीय घाटा, बजटीय घाटा होगा 2.4 का रहेगा, वो लिमिट के अंदर रहेगा। सुनाई नहीं पड़ रही भाई आपकी बात, अपने बाद में क्लेरिफिकेशन ले लीजिएगा आप। हाँ हाँ, कितना है? नहीं नहीं, रेवेन्यू डिफिसिट नहीं, बजट फिस्कल डिफिसिट, फिस्कल डिफिसिट है, रेवेन्यू डिफिसिट नहीं, ये फिस्कल डिफिसिट है 2.15। हाँ 2.15, रेवेन्यू डिफिसिट नहीं है। हाँ डेफिनेट फिस्कल डिफिसिट, हाँ फिस्कल डिफिसिट अगर आपने पूछा तो 2.15% रहेगा फिस्कल डिफिसिट। वो नहीं समझता है, छोड़ दे। बजट घाटा जो है ना, एक तो FRBM एक्ट का होता है जो कि राजकोषीय घाटा है, और एक राजस्व घाटा जो आप पूछ रहे हैं, राजस्व घाटा नहीं है, -0.52% है, मतलब घाटा नहीं है राजस्व घाटा। तो दिस इज एन स्टेप टुवर्ड्स फाइनेंशियल डिसिप्लिन, सो दिस द फोकस ऑफ द बजट इज 240। वन इज द फाइनेंशियल डिसिप्लिन बिकॉज वी आर एनकरेजिंग दैट, एंड सेकेंडली इज टुवर्ड्स द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, ढांचात्मक सुधार के लिए, तो ये फोकस है। और तीसरा फोकस जो बजट का है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि आपने देखा होगा माननीय मंत्री जी ने बोला कि हम लोग सामाजिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो अभी आधारभूत संरचना और इंफ्रास्ट्रक्चर से की तुलना में वी आर गिविंग मोर फोकस टुवर्ड्स सोशल सेक्टर, टुवर्ड्स, सो इट इज ए प्रो पीपल बजट, फोकसिंग टुवर्ड्स द पुअर पीपल एंड टुवर्ड्स द विलेजर्स, टुवर्ड्स द एग्रीकल्चर, दिस इज द बजट रिफ्लेक्शन। आपने देखा होगा सोशल सेक्टर का बजट सबसे ज्यादा है इसमें, वो आपने पहले ही माननीय वित्त मंत्री के भाषण में भी है और उन्होंने अभी पढ़ा भी था। नहीं कोई अभी नया कर, कोई इसमें इस बजट में प्रस्तावित नहीं है नया कर प्रस्तावित। बढ़ेगा पहले साल में जब चेंज हुई थी पॉलिसी तब तक घाटा हो गया था, इसको करेक्ट किया गया है। ऐसा है 20,000 कितना हुआ था, 1,000 करोड़ का घाटा हुआ था एक साल जब ये सेंट्रलाइज पॉलिसी लागू की। आप इसको समझिए, श्वेत पत्र पूरा पढ़ लिए हैं? हाँ पढ़े नहीं, अरे क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो कैसे होगा? ऐसा नहीं, ऐसा है पिछले बार 1,000 जो पॉलिसी चेंज किया था पिछली सरकार ने, उसे 1,000 एक्साइज में 1,000 का घाटा हुआ था, उस पॉलिसी को चेंज करके हम लोग बढ़ा दिए इसलिए हमको ज्यादा मिल रहा है ना, 1,000 का घाटा हुआ था पॉलिसी चेंज करने पर। हाँ हाँ, आप यहाँ नहीं ऊपर बोलेंगे, बाद में पूछिएगा तो बता देंगे, रूम आइएगा तो बता देंगे कैसे हुआ था। हाँ वो भाई, हाँ कैसे घाटा हो गया था, क्यों घाटा हुआ था, क्या कारण थे उसका बता है। हाँ अलग से बात कर लेंगे, हाँ गड़बड़ा जाएगा ना, आप गड़बड़ा नहीं जाएगा, हम ठीक हैं, हमारा उत्तर ठीक रहेगा, लेकिन थोड़ा सा। हाँ सर मेरा सवाल है। हाँ क्या हो गया आपको, क्या कष्ट है बोलिए। सर आपने अपने घोषणा पत्र में पत्रकारों को आवास योजना देने की बात कही थी, लेकिन आपने इस बजट में मेंशन नहीं किया। क्या
करेंगे करेंगे, ये तो बजट का शुरुआत है, 5 साल बाकी है ना बाबू, है करिएगा बता, वो ध्यान में रहेगा, ध्यान में रहेगा है ना, हाँ होगा। अभी तो हम लोग चलना सीख रहे हैं है ना, थोड़ा दौड़ना से शुरू करेंगे आपको मिलेगा, हम अपना वादा पूरा करेंगे, आप कितना पूरा करेंगे बात का चीज है, लेकिन करेंगे। लेकिन सर फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन जो है उसके लिए दोषी कौन लोग हैं, उन पे कोई कार्रवाई होगी क्या सर? जो वित्तीय हम इतने संक्षेप में बोलेंगे, अध्ययन किया जा रहा है, समीक्षा चल रही है, अब इतने रखिए। नहीं सर, तो इसके लिए दोषी नहीं, कौन नहीं है? वही तो बोले हम, आप जो भाषा का प्रयोग कीजिएगा वो भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे हम, हम कह रहे हैं अध्ययन किया जा रहा है, समीक्षा की जा रही है। कैसे कोई समझ नहीं लेगा, लेकिन तरीका है ना, सरकार में तरीका है ना, सरकार में तरीका है, तरीके से ना चलेंगे, रूल से चलेंगे। अभी तो नहीं किए हैं इसमें, बजट में तो नहीं है ऐसा, हम हाँ बजट में हो, एक रुपया में जो ये देते हैं हम लोग महिलाओं का, बंद नहीं किया विचार, हाँ अभी बंद नहीं है, हाँ अभी चल रहा है। अभी ये तो ऐसा है, ये कोई योजना थोड़ी है, ये तो ये आप लोग समझते हैं ये योजना नहीं है, ये प्रावधान है कि जब आप रजिस्ट्री कराने जाते हैं वो रेवेन्यू प्राप्त होता है, उसका आकलन किया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई योजना गवर्नमेंट चला रही है और उतना सब्सिडी दे रही है, बजट का पार्ट नहीं है। अरे हाँ क्या ये दिखा रहा है? एक साथ दिखा रहे हैं, अरे जैसा से कह वैसे तो कर रहे हैं भाई, उसके बाद जो हुकुम कर रहे हैं वही कर रहे हैं हम। हो गया हो गया, ब्रीफिंग हो गया। शुरू करें, नया नया परिसर है, थोड़ा सा विधानसभा का परिचय भी हम लोग ले रहे हैं साथ साथ में, बजट के साथ साथ, तो मुझे आज, मैं इस सभागार में पहली बार आया हूं, आज विधानसभा के इस सभागार में आज
बजट सत्र के इस तीसरे दिन के इस बजट को प्रस्तुत करने के उपरांत आज यहां आप सभी प्रेस मीडिया के सम्मानित सदस्य के समक्ष आज इस प्रेस वार्ता में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद आभार प्रकट करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। हमारे वित्त मंत्री जी ने लगभग 35-40 पन्नों का बजट अभिभाषण सदन में पूरे बजट की एक संक्षिप्त विवरणी प्रस्तुत की, उन्होंने बताया भी, और मेरा यह मानना है कि यह बजट हमारी सरकार ने जो प्रस्तुत की है ये गरीबों उन्मुखी प्राथमिकता की सोच को स्पष्ट करती है। हमने अपनी प्राथमिकताएं तय कर राज्य की जनता के समक्ष रख दिया है। हमने शासन के रथ को झोपड़ियों की ओर मोड़ दिया है। राज्य में कोई भूख से ना मरे, राज्य में कोई अशिक्षित ना हो, राज्य में कोई इलाज के अभाव में उसकी मृत्यु ना हो। हमारे गांव के बच्चे अब बकरी ना चराएं बल्कि स्कूल जाएं। राज्य के हर वर्ग, हर इंसान को रहने के लिए उसको छत उपलब्ध हो, घर उपलब्ध हो, हर गरीब को तन ढकने के लिए वस्त्र उपलब्ध हो, हमारी सरकार की ये सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं। बजट में आपने देखा कि किसानों को खुशहाल बनाने के लिए तथा युवाओं के अरमानों को पंख देने के लिए इस बजट में कुछ कदम उठाए हैं। यह इस मायने में कि एक क्रांतिकारी बजट है कि इसके केंद्र में गरीब, किसान और बेरोजगार युवा हमारे प्राथमिकता में हैं। कैसे उनको स्वावलंबी बनाया जाए, कैसे उनको अपने पैरों पर खड़ा किया जाए। किसान अपनी बदहाली से बाहर कैसे निकले, ये हमारे सोच के केंद्र बिंदुओं में है। अभी तक इस राज्य में जो भी हुआ है वो थोड़ा सा कहा जा सकता है कि लोक लाज से हटकर हुआ है। जिस राज्य में बेरोजगारी की फौज बढ़ती हो या लगातार बढ़ रही हो, वहां पर कुछ सवाल भी खड़े होते हैं। जैसे 400 करोड़ का विधानसभा, 600-700 करोड़ का हाईकोर्ट भवन, 1600-1700 करोड़ रुपए का सचिवालय बनाने का प्रस्ताव, मुझे थोड़ा सा अटपट लगता है, थोड़ा सा इस पिछड़े राज्य के लिए मुझे लगता है सोचने की गंभीरताएं होनी चाहिए।
हमने इस बजट में तंत्र को जनता के प्रति जिम्मेवार बनाने का प्रयास किया है। लोकतंत्र में, लोक और तंत्र में संवाद मजबूती से बढ़े, कायम हो, यह प्रयास किया है। आपने देखा बजट में हर नागरिक को अब 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य लाभ देने का भी, स्वास्थ्य बीमा की सुविधा भी प्रदान सरकार ने करने का निर्णय लिया है। ये निश्चित रूप से गरीबों के साथ साथ एक मध्यवर्गीय परिवार के लिए भी एक क्रांतिकारी कदम कहा जा सकता है। जैसे कुछ बीमारियां होती हैं, किडनी से जुड़ी हुई, लीवर से जुड़े हुए, कैंसर से, और शायद आपने इस बजट में एक और चीजें नहीं देखी होंगी, वो है ब्रेन हेमरेज का, उसको भी हम लोग इसमें जोड़ेंगे। गरीबों के घर पे अगर ऐसी बीमारियां जाती है तो गरीब तो खत्म हो ही जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत जो कमा धमाता है उसका भी परिवार सड़क पर आ जाता है, वो भी भीख मांगने की स्थिति पे चला जाता है। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है। हर गरीब को जो हम लोग अभी आवास उपलब्ध करा रहे हैं उसमें 50,000 रुपये अधिक रुपये और हम लोग जोड़ने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। हम जानते हैं इस राज्य में गरीबी बड़े पैमाने पर है। यहां पर लोग खाने के साथ साथ तन ढकने के लिए वस्त्र का भी इनके पास अभाव है। हम लोगों ने 10 रुपया में साल में 2 बार धोती साड़ी और लुंगी देने का भी निर्णय लिया है। आगे ये सरकार गरीबों को ये उपलब्ध कराएगी। और इस सरकार ने एक क्रांतिकारी निर्णय लिया है कि इस राज्य में जितने भी 50 साल से अधिक उम्र के लोग हैं और इस राज्य में जितने भी विधवा महिलाएं हैं, विधवा होने का कोई उम्र सीमा नहीं होता। कई दुर्घटनावश ऐसी घटनाएं घटती हैं, कम उम्र में ही महिलाएं विधवा हो जाती हैं। इन सभी विधवाओं को और इन 50 साल के सभी बुजुर्गों को राशन उपलब्ध कराने का सरकार ने निर्णय लिया है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले जो छात्र छात्राएं हैं, जो बच्चे हैं, वो सभी वर्गों से आते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, जितने भी तरह के जाति समाज से आते हैं। हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब सभी बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाएगी, अब जाति धर्म पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अभी सरकार ने आने वाले समय में राज्य की बिजली व्यवस्था का आकलन करते हुए उसकी समीक्षा उपरांत हमने ये निर्णय लिया है कि अपनी बिजली व्यवस्था सुधार करते हुए 100 यूनिट तक की बिजली की खपत के लिए किसी को भी
अब बिल चुकता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको मालूम होगा कि विगत वर्षों में कई लोग राज्य में भूख से मर गए। ये किसी भी राज्य के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है कि लोग भूख से मरे, लोग प्यासा मरे। ये बहुत ही, मैं समझता हूं, किसी भी राज्य के लिए गंभीर विषय है। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि इस राज्य में जिनको राशन उपलब्ध है वो हैं ही, लेकिन इसके साथ कोई भी लोग भूखा ना रहे इसके लिए लगभग 377 दाल भात केंद्र पूरे राज्य में खोले जाएंगे। हमने राज्य के बेरोजगार नौजवानों को, जिन्होंने बीए और एमए किया है, उसको क्रमशः 5,000-7,000 देने का निर्णय लिया है, प्रतिवर्ष सहयोग राशि देने का निर्णय लिया है। ये राशि ये जो हम लोग सहयोग राशि दे रहे हैं, ये सहयोग राशि ही रोजगार नहीं है। हम बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देना हमारा लक्ष्य है। ये एक सहयोग राशि के रूप में हम लोग सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि वो अपने आने वाला समय में किसी भी एग्जाम में, किसी भी कंपटीशन में, कहीं पर भी अपना फॉर्म भरने के लिए, आने जाने के लिए उसका उपयोग कर सकें। कई लोगों का सवाल भी है कि सरकार ने 3 लाख रुपए का आवास देने का घोषणा किया है, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि पूर्व सरकार ने जो वित्तीय प्रबंधन हमारे जिम्मे सौंपा है, इस परिस्थिति में भी हमने कई साहसिक कदम उठाए हैं। सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं और आने वाला समय में 3 लाख के आवास तक के लक्ष्य को भी हम प्राप्त करेंगे। हम ये आप लोग को आश्वस्त करेंगे। अभी तो 50,000 ही हम लोगों ने उपलब्ध कराया है, हो सकता है कि आने वाला समय में ये 1 लाख रुपए और उसमें जुड़े, 1.5 लाख रुपए और जुड़े। हमारी सरकार के तंत्र इस विषय पर आगे बढ़ रहे हैं। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विशेष योजना चलाई जाएंगी। आपको मालूम होगा, अभी कुछ दिन पहले मैं गोड्डा जिले के एक कार्यक्रम में गया था। वहां पर भी हम लोगों ने इस बार लगभग उस जिले के लिए 5 से 6 डॉक्टर, मुझे जो याद है, जो हम लोगों ने नियुक्तियां दी है। तो ऐसे कई प्रबंधन हम लोग करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से डॉक्टरों की कमी को हम लोग पूरा कर सकें। हमारे राज्य में खोले गए मेडिकल कॉलेजेस को बेहतर तरीके से कैसे चलाया जाए, इसकी भी कार्य योजना तैयार की जा रही है। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि राज्य के जितने भी जिला स्कूलें हैं उनको उच्च स्तरीय विद्यालय के रूप में विकसित किया जाए, और बिल्कुल हमारे बच्चे भी, हमारे गांव गरीब के बच्चे भी अब वही शिक्षा ले पाए जो इस राज्य में प्राइवेट
स्कूलों में दिया जाता है। उस तर्ज पर हम लोग इसको विकसित करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। बजट सत्र के साथ साथ गर्मी का मौसम भी आ रहा है, सरकार ने यह निर्णय लिया है कि हर पंचायत में 5 चापाकल लगाने या कुएं बनाने का लक्ष्य हम लोगों ने तय किया है, ताकि ग्रामीणों को की सुलभता से पानी मिल सके। इसके साथ साथ आप लोगों के जहन में भी बात आ रहा होगा कि चुनाव में शायद कई वादे कई घोषणाएं लोगों ने की थी, राजनीतिक दलों ने की थी, विशेषकर सत्ता पक्ष में जो है उन्हीं पर सवालें खड़ी करेंगे लोग। किसानों को लेकर, किसानों का कर्जा माफ करने का बात हम लोगों ने यह भी निर्णय लिया है कि किसानों का कर्जा माफ होगा, और माफ करने की दिशा में पहले चरण में हम लोगों ने 50,000 रुपए तक का ऋण माफ करने का निर्णय लिया है। इसलिए ये मैंने छोटा सा संक्षिप्त विवरणी आपको बताया कि हमारी सरकार नए झारखंड के निर्माण के लिए नए सफर की तैयारी और शुरुआत इस बजट के माध्यम से कर रही है। मुझे उम्मीद है कि अब यह सरकार एक मजबूत लकीर और एक मजबूत नींव इस राज्य में लगाएगी, जिसका लाभ राज्य के हर वर्ग, हर समुदाय, नौजवान, युवा, महिला, सभी लोगों, हम लोगों ने यह भी निर्णय लिया है कि आने वाले विभिन्न नौकरियों में, जिसमें सबसे अधिक महिलाओं की सहभागिता हो सके, 50% का आरक्षण भी हम लोगों ने सोच रखा है कि विभिन्न नियुक्तियों में महिलाओं को 50% का आरक्षण हम लोग दें, ताकि महिला सशक्तिकरण पर राज्य सरकार एक बेहतर अपना मिसाल कायम कर सके। धन्यवाद। अब वो सरकार तो गई, अब फिर से इसको हम लोग ठीक करेंगे। अब ये पहला बजट है, अब जीडीपी का ग्रोथ हो या कई चीजें हैं, आपको एक चीज भी मालूम है कि अब राज्य के अंदर बहुत सारी चीजें, जैसे कर धन संग्रह करने का जो व्यवस्था है बहुत सीमित हो गया है जीएसटी आने के बाद। महंगाई घटती है, बढ़ती है, उसमें कहीं ना कहीं हमारा जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में रिफॉर्म्स की वजह से चीजें होती हैं। हम लोगों का प्रयास है राज्य के आंतरिक संसाधनों के माध्यम से बेहतर करने का, लोगों को सहयोग करने का। एक चर्चा मुख्यमंत्री जी हो रही है बजट पेश होने के बाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, जैसा आपने अभी अपने भाषण में कहा था कि न्याय योजना 72,000 की लेकर के आएंगे जब सत्ता में आएंगे। एक
दूसरा ये बेरोजगारों को 5 से 7 हजार रुपए पर मंथ देने की बात की, तो इन दोनों पे नहीं लगता है कि कमी रहेगी? मुझे नहीं लगता है कि आपको ये जानकारी सही उपलब्ध है। अगर कोई ऐसी पुख्ता कहीं ऐसी बात है तो ऐसी चीजें नहीं है शायद, उसमें कोई आप लोगों को कन्फ्यूजन है। लेकिन नहीं, उसको आप लोग ठीक से देख लें तो ज्यादा बेहतर होगा। और बेरोजगारी भत्ता देने का मतलब ये नहीं है कि बेरोजगारी भत्ता ही रोजगार होने जाए, ये हम नहीं चाहते हैं। हमें बेरोजगारी खत्म करना है। ये एक प्रोत्साहन राशि है, सहयोग राशि है। इससे आकलन ना लगाया जाए कि बेरोजगार भत्ता ही अब नौजवानों के लिए रोजगार बन जाए। धन्यवाद।